तुम्हारा घर भी तुम्हें जो है परमात्मा से जोड़े, वो कलह क्लेश का अड्डा ना बन जाए, उसे कोप भवन नहीं बनाना चाहिए। राजा दशरथ ने अपने महल में एक जगह पर कोप भवन बनवाया था, सारे घर को कोप भवन नहीं बनाया था। हमारे तो सबके सारे घर के सारे कमरे कोप भवन है। आप वहां ये ढूंढते फिरेंगे केकई कौन है और मंथरा कौन है, मंथरा वहां ना भी रहती हो तो पड़ोस में रहती होगी, कहीं और जगह से आ जाएगी। मंथरा और शकुनी तो रिश्ता जोड़ ही लेते हैं, महाभारत में शकुनी था, रामायण में मंथरा थी। कोई भी आ जाएगा, मंथर गति से आएगा, धीरे धीरे आएगा, कान में धीरे धीरे बोलेगा, मीठा बोलेगा, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कहते हैं कि दुष्ट का पूरा व्यवहार जैसे मच्छर करता है, प्राक पादयो पतति, कहा गया आएगा पहले पांव की तरफ से आता है, चरण स्पर्श करता हुआ आता, महाराज प्रणाम हो आपको, करणे मधुरम ध्वनि करोति, कान में बड़ा मीठा मीठा बोलता, दुष्ट ऐसे ही करता है, कब पांव पकड़ेगा आपके, बड़ा झुकेगा। कहते हैं तीर कमान झुके, चीता झुके, दुष्ट झुके, आदर नहीं दे रहा हमला करेगा, इनका ढंग ही अलग होता है। तो कहा गया है कि ये दुष्टता के भेद वाले जो लोग होते हैं, इनका व्यवहार बहुत ही विचित्र होता है। ये झुककर दिखाएंगे, मीठा बोलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है आपका भला करने वाले हैं। कोई ना कोई इसी तरह से कहीं ना कहीं से मंथरा घुस जाएगी, कहीं से शकुनी घर में घुस जाएगा और आपके घर को कलह कलेश का अड्डा बनाएगा। आपने तो अमृत कलश रखा है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना जो कलेश पसंद होते हैं। एक शब्द है ना शुभ चिंतक, एक है अशुभ चिंतक। जो अशुभ चिंतक होता है वो हमेशा अशुभ ही अशुभ सोचता रहता है। और कुछ इतने कमाल के होते हैं जो, एक तो वो होंगे ना जो आपका शुभ सोचेंगे, उनको तो कहेंगे शुभ चिंतक, और एक वो होते हैं जो आपका शुभ होते देखते जिनको चिंता होने लग जाती है इसका शुभ क्यों हो रहा है। किसी का भी शुभ होते देखते ही जिसको चिंता होने लग जाए और विघ्न तोषी बन जाए, विघ्न डाले जरूर, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, वो है कोई शकुनी मंथरा घर में घुसाए और आपके घर को कोप भवन बना दे। पहचानना चाहिए, कान में मीठा बोलने वाले सारे मिल जाएं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि ये आपका कोई भला करने वाले हैं। इसलिए अपने घर को भी आप मंदिर बनाइए, उसको भी ऐसा स्थान बनाइए, मंदिर का मतलब सब जगह मूर्तियां रख लें, हाथ जोड़ने बैठ जाएं, नहीं, जहां पर परमात्मा की सुगंध आने लग जाए, जहां पर परमात्मा का प्रेम बरसता हुआ नजर आए, जहां प्रत्येक व्यक्ति का उठना बैठना ऐसा लगता हो कि पूरा स्थान ही पवित्र स्थान है। स्वच्छता पवित्रता को बनाए रखना, उठने बैठने में मर्यादा बनाए रखना। तो जिनके धन, जिनके भवन, जिनके जीवन परमात्मा की तरफ जोड़ने वाले बनते हैं तो वो धन्य लोग कहलाते हैं। तो धर्म अर्थ काम लज्जा हर्ष और भय, ये छह स्थान कहे हैं, इनमें जाकर के वह पुण्य सत शक्ति विराजमान रहती है जो लोक और परलोक को सुधारने का काम करती है। उसके बाद कहा कि इसके छह अंग हैं, उन छह अंगों को कहा गया, पहला है दाता, फिर है प्रतिहिता, तीसरा है शुद्धि, चौथा है धर्मयुक्त देह वस्तु, और पांचवा माना जाता देश, और छठा है काल। मतलब ये है कि इसके छह अंग हो गए जहां पर जाकर के ये आपका सत्कर्म विराजमान रहता है, जो आपका लोक सुधारता परलोक सुधारता, जिससे आपका कल्याण होता है। तो उसको कहा गया है कि एक तो कौन से अंग में रहता है कि हाथ शुद्ध हो जाएं। कैसे शुद्ध हो जाएं कि तुम अपने हाथों को पवित्र बनाओ। पवित्र बनाने का तरीका है तुम्हारा हाथ छीनने के लिए बढ़ता रहा या सहयोग करने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रसंगों में एक प्रसंग आता है कि उन्होंने यात्रा करते हुए एक गांव में रुके और वहां कुआं था एक, तो वहां उन्होंने लोगों से कहा पानी पिलाओ, तो कुछ लोग पानी लेकर दौड़े
गुरु महाराज पधारे हैं तो हमारा गांव धन्य हो गया है, सेवा करने का अवसर मिल गया। गुरु की सेवा करने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा तो कोई अवसर ही नहीं है। समझो कि सीधे घर में तीर्थ ही आ गया तो ऐसी भावना लेकर सब दौड़े, मैं पानी पिलाऊं, मैं पानी पिलाऊं। उन्होंने कहा कि भैया पानी वो पिलाएगा जिसके हाथ शुद्ध होंगे। तो सब ने कहा महाराज हमने तो 3 बार हाथ धोए हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जिसने किसी के आंसू पहुंचे हो, गिरते को उठाया हो, दया की हो, दान किया हो, धर्म किया हो, सत्कर्म किया हो, ऐसा सब करते करते जिनके हाथ पवित्र हो गए, ऐसे शुद्ध हाथों वाला कोई आए आगे रा करके पानी पिलाए, तो बेचारे सब खड़े रह गए, महाराज इतने शुद्ध तो नहीं है कि गुरु से सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो कम से कम अपने आप को, अपने हाथों को पवित्र तो करो। अब गुरु महाराज ने किसका पानी पीना था, लेकिन शिक्षा देनी थी। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसके जीवन में 6 अंग हैं, ये 6 अंग से मतलब है कि जहां पर ये आपका पुण्य सत्कर्म रहता है जो आपको तारने का कार्य करता है, तो उसमें सबसे पहले कहते हैं क्या तुम दाता हो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा शरीर, कहते नहीं ये पांव धर्म की तरफ चलें और ये हाथ सत्कर्म करने वाले हो जाएं और हृदय जो है परमात्मा के स्वरूप को, धर्म को सोचते सोचते उसका आकार हृदय में बनाए। हर तस्वीर पहले दिल में बनती फिर बाद में बाहर आती है। अंदर राक्षसी भाव बन रहा है तो वो बाहर आएगा, अंदर प्रेम का भाव बन रहा है तो बाहर आएगा। बाहर से नाटक कर भी दे ना, आदमी बोल भी दे हार्दिक बधाई, लेकिन अंदर से पता लगता रहता है कि हार्दिक जलन है। किसी का मकान देख करके और बधाई देने पहुंचते हैं ना लोग गृह प्रवेश के अवसर पर, उस समय जब बोलेंगे तो कितने प्यार से बोलेंगे हार्दिक बधाई, लेकिन दिखाई क्या देता है, हार्दिक जलन। तो प्रत्येक व्यक्ति का अंदर का पूरा रूप चमक रहा होता है कि वो वास्तव में क्या है। इसलिए कहा गया है कि 6 अंग हैं, एक वो जो देने वाला रूप है व्यक्ति का, दूसरा है किसी से लिया और लिया है तो विनम्रता से लेना, लेकिन लेने के बाद उसके कर्जदार हो गए आप, तो अब उसे कई गुना बढ़ाकर वापिस करने की भावना बनाओ मन में। जब तक आप कई गुना बढ़ाकर वापस करने की भावना नहीं रखते हैं तब तक आप कर्जदार बने हुए हैं, और कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है। तीसरी चीज मानी गई है शुद्धि। व्यक्ति के जीवन में शुद्धि है, पवित्रता है, तो कहते हैं वहीं पर ये फिर पुण्य धर्म वहीं ठहरेगा। वो तारने वाली शक्ति जो अमृत बनकर के व्यक्ति के जीवन में आता है वह तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, दृष्टि की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, आचार की शुद्धि, चलने फिरने में शुद्धि, शुद्धता, पवित्रता। किस दृष्टि से आप देखते हैं, इसलिए बुद्ध ने भी जो भाव दिए हैं ना उनमें एक सम्यक दृष्टि कहा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक आहार। तो दृष्टि में सम्यक भाव मतलब शुद्ध भाव, देखने वाली नजर क्या है, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, तो शुद्धिकरण देखने का भी, बोलने का भी, चलने का भी, बैठने का भी। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जब कोई व्यक्ति बहुत प्यार से बोलता है तो उसका व्यवहार और उसकी वाणी भी अलग हो जाती है। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव मुझे एक बात पूछनी है। क्या? बोले जब कोई लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और बहुत जोर जोर से बोलते हैं, चीख चीख करके बोलते हैं, और कोई बहुत प्यार वाले लोग हों तो वो चाहे 2 मित्र हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन है, जहां भी बहुत प्यार है, प्रेम वाले संबंध जो भी है, कहा ज्यादा मतलब दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है, साथ साथ बैठे हैं लेकिन इतने धीरे से बोल रहे हैं। उस समय जो है
दूरी होने के बाद भी बहुत धीरे से बोलते हैं, तो उनका धीरे बोलना और गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करते हुए लोग जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतने जोर जोर से बोलते हैं, तो नजदीक होकर भी इतने जोर से क्यों बोलते हैं और थोड़ी दूरी रहते हुए भी वो धीरे से क्यों बोलते हैं, उनको सुनाई कैसे देता है? तो गुरु महाराज ने उसकी तरफ देख करके कहा कि तुमने ये देखा होगा कि जो गुस्से में लड़ाई लड़ रहे हैं और इतने जोर जोर से चीख कर बोल रहे हैं जैसे कोई दूसरा आदमी बहुत दूरी पर खड़ा हो और वहां तक आवाज पहुंचानी है, वो जो चीख कर बोल रहा है दूर तक आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से जैसे कोई बोलता है ऐसे बोल रहा होता है, तो उससे तुम्हें ये लगता है कि जो आदमी का जिसका हाथ उसने पकड़ रखा है, जिसको वो बुरा भला बोल रहा है, जिसको वो चीख चीख कर कह रहा तुझे सबक सिखा के छोड़ूंगा और जोर जोर से बोलता है, तो तुम्हें लगता है दोनों बहुत नजदीक हैं। नहीं, वो बेचारे बहुत दूर हैं, एक दूसरे से इतने दूर हैं, कोसों दूर हैं एक दूसरे से, मीलों दूर हैं, अंदर से दूर है ना, बाहर से लगता है नजदीक खड़े हैं, हाथ पकड़ा हुआ एक दूसरे का, इसलिए तो चीख कर बोल रहे हैं। और जो आदमी जितने जोर से चीख कर बोलेगा उसे लगता है सुनाई दिया नहीं इसको, वो उससे भी ज्यादा जोर से चीख कर बोलता है, क्योंकि बाहर से लगता है कि दूरियां नहीं है लेकिन अंदर बहुत दूरियां हैं। और जो बहुत प्यार से बोल रहे हैं लेकिन दोनों पास में लगता है कि डिस्टेंस है दोनों में, इतना धीरे से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बात समझ में भी आ रही है, कत्तों में लगता है कि बाहर से दूरी है लेकिन अंदर से इतने नजदीक हैं कि जैसे आदमी अपनी कोई आवाज उठाता है ना, अपने आप से बात कर रहा होता है तो अपने होठ हिल रहे हैं और खुद ही जो है बोलता हुआ खुद ही सुन रहा है। सभी लोग जो है घर के अंदर या कहीं भी अकेले में जब होते हैं तो वो खुद से बातचीत करने लग जाते हैं, तो बोलकर करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पार्क में चलते चलते अकेले चले जा रहे हैं तो भी वो कुछ बोलते हुए बड़बड़ाते जा रहे होते हैं, उस समय उनके अंदर से जो कुछ चल रहा होता है उसको, उनकी उस समय मीटिंग चल रही होती है, अंदर तो बातचीत चलती रहती है रात दिन, सभी के अंदर बातचीत चलती है, उसको स्व संवाद जो कहलाता है वो एक बहुत बड़ी विधि है जिसको व्यक्ति अगर सुधार ले तो जिंदगी बदल जाती है। लेकिन मैं आपसे बताना चाह रहा हूं ना कि जब नजदीक दिखाई दे रहे हों और लड़ रहे हों चीख चिल्ला कर बोलेगा आदमी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अंदर से बहुत दूर हैं और पास में बैठा हुआ आदमी या थोड़ी सी डिस्टेंस भी हो धीरे से बात करे, दोनों एक दूसरे की बात को समझते भी हैं, क्योंकि वो बाहर से जरूर दूर दिखाई देते हैं उस समय उनको जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अंदर से बहुत नज़दीक हैं। जब आप अंदर से नज़दीक होते हैं तो आपके बोलने में भी मधुरता आ जाती है, फिर चीखना नहीं पड़ता, चिल्लाना नहीं पड़ता, तो यहाँ दिव्यता आ गई। जहाँ ये दिव्यता आ गई तो आपका बोलना भी में भी शुद्धिकरण आ गया। और कहते हैं अगली चीज मानी जाती है कि चौथा अंग इसका माना जाता है जिसमें जाकर के ये पवित्रता के साथ आपकी धर्म शक्ति रहती है, वो कहते हैं धर्म युक्त देह वस्तु को आप दें। आपके पास में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपने पवित्रता से कमाई और उसे पवित्रता से आप आगे दे रहे हैं। मतलब ये है कि जब आप किसी अन्न को गुरु को भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो वो पवित्र हो, उस पवित्रता को देने से आपका कल्याण होता है। वैसे ये भी माना जाता है कि अगर आपने बुरा करके भी कमा लिया और अच्छी तरफ लगा दिया तो भी ये बात ध्यान रख लीजिए आपका बुरा भी किया हुआ भी दिया हुआ आपका आपके जीवन पर प्रभाव जरूर डालता है। ये बात समझने वाली है, इसको दूसरे ढंग से समझिए। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ये बड़ी विचित्र बात है
कि किसी आदमी ने पूरी जिंदगी बुरा किया और पैसा कमाया और अच्छी तरफ लगा दिया। अब बुरा किया था तो अगला जन्म मनुष्य का तो मिलेगा नहीं, हो गया पशु पक्षी बन गया। धर्म कोई भी हो, हर धर्म में मान्यता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। धर्मादा सेवा ऐसे ही कार्यों का उचित विकल्प है। धर्मादा सेवा पुण्य कवच बनाता है, आयुष्य आरोग्य बढ़ाता है, घर परिवार में खुशहाली लाता है। भाग्यशाली कुलीन परिवार धर्मादा सेवा प्रतिमाह जीवन पर्यंत करते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से धर्मादा सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आइए इन धर्मादा सेवाओं पर एक दृष्टि डालें। अनाथ एवं निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, विश्व जागृति मिशन द्वारा बच्चों के पोषण प्रगति और विकास के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानदीप विद्यालय, रुका और खूंटी रांची झारखंड में आदिवासी पब्लिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें 2000 बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा संस्कृति का अद्भुत संगम महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ ने लगभग 100 बच्चों को उत्तम शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वृद्धाश्रम महाराष्ट्र ने माता पिता एवं वृद्धों के लिए आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में स्थित वृद्धाश्रम में निशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल निर्धन रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के लिए करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल में रोगियों का सफल उपचार होता है। आँखों का ये अस्पताल सुदूर तक सेवा के लिए लोकप्रिय है। कामधेनु गौशाला गो सेवा गोदान से मानव जीवन कृतार्थ होता है। मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बेंगलुरु के साथ पानीपत हरियाणा में आदर्श कामधेनु गौशाला की स्थापना की गई है, जिनमें 500 से अधिक गौओं की सेवा की जाती है। भंडारा आनंद धाम आश्रम में 15 वर्षों से लगातार 500 भक्तों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। देव मंदिर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में पशुपतिनाथ मंदिर, नवग्रह एवं शनि मंदिर, सिद्ध शिखर, इसके साथ ही दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, पूर्वी दिल्ली में राधा माधव मंदिर की स्थापना के साथ मिशन के सभी आश्रमों में भव्य देव मंदिर भक्तों की श्रद्धा आस्था व पूजा प्रार्थना के केंद्र हैं। यज्ञ सत्संग ज्ञान ध्यान पूज्य महाराष्ट्र यज्ञ सत्संग के प्रसाद से संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने सद चिंतन व सद विचारों के उपदेशों से जागरण का संदेश दे रहे हैं। दैवीय आपदा विश्व जागृति मिशन द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है। यदि आप भी ऐसी धर्मादा सेवाओं से जुड़कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं, तो संपर्क करें। संपर्क सूत्र श्री जी सी जोशी जी 9311534556